गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट, ओके। और कल की क्लास में हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया था तो हमने टू टाइप्स से नंबर्स को यूज़ किया था। फर्स्ट था आपका अरेबिक नंबर्स और सेकेंड था आपका इंडियन हिंदी नंबर्स। नाउ टूडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन। क्या करना है आज हमें? नंबर्स को डिवाइड करना है। हियर इज़ वन नंबर 255 डिवाइडेड बाय 15। स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर्स के बिटवीन ये कौन सा साइन यूज़ हो रहा है? इट्स अ डिवीजन साइन। जब नंबर्स के बिटवीन आपको ये साइन मिल जाए तो आपको नंबर्स को क्या करना है? डिवाइड करना है। अंडरस्टूड? अब जो इसका फर्स्ट वाला नंबर है वो आप ब्रैकेट के इनसाइड राइट करेंगे, और जो इसके बाद वाला नंबर है, साइन के बाद जो नंबर गिवन है, इसको आप ब्रैकेट के बाहर कॉलम में राइट डाउन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। 255 डिवाइडेड बाय या डिवाइड बाय विच नंबर? 15। हमें यहाँ 255 को 15 से डिवाइड करना है। और जब हम डिवीज़न कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, इसमें डिवीज़न को सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ होता है? टेबल्स का यूज़ होता है। तो टेबल्स हमने प्रीवियस क्लास में भी लर्न किए हैं। इन दिस क्लास ऑल्सो यू रिवाइज टेबल्स 2 to 20, ओके। सो ईजीली यू कैन सॉल्व डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। मेक अ ब्रैकेट। अब इनसाइड हम राइट करेंगे 255 को, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको? हम 15 से। 15 डिवाइडेड बाय 255। अब हम यहाँ टू डिजिट का नंबर है तो टू डिजिट का डिवाइड हम फर्स्ट टू डिजिट में ही करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट, 15 बन जा 15 एंड 15 टू जा 30। 30 क्या है? 25 से मोर है। सो हाउ मैनी टाइम डिवाइड? 1 टाइम। हमें जस्ट इससे स्मॉल वाला नंबर ही लेना है, माइनस 15। कहाँ से आया ये 15? 15 का डिवाइड हमने 15 वन टाइम, ठीक है। 5 - 5 = 0 एंड 2 - 1 हियर 1। अब हम नेक्स्ट नंबर को यहाँ राइट डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया? 105। अब 105 को हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 15। हाउ मैनी टाइम? 15 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए। दिस वन डिवाइडेड बाय 7 टाइम। ये 105 15 से कितने टाइम डिवाइड है? 7 टाइम। तो हमें 7 यहाँ लिखना है और राइट हियर 105। नाउ माइनस क्या होंगे नंबर्स? माइनस होंगे। 5 - 5 = 0 - 0 + 1 - 1 = नाउ व्हाट इज़ योर आंसर? योर आंसर, आंसर को हम बोलते हैं क्वाटेंट। व्हाट इज दिस? क्वाटेंट। सो क्वाटेंट इज इक्वल टू, व्हाट इज योर क्वाटेंट? 17। एंड स्टूडेंट्स, एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रखना है, जब कभी भी कोई नंबर किसी अनादर नंबर से फुली टाइम डिवाइड नहीं होता है, फुली टाइम यानी पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस आपका बचता है, और इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इट्स नोन एज रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर है क्या? नो, हियर इज़ रिमाइंडर 0। यहाँ अभी कुछ रिमाइंडर नहीं बचा है बिकॉज ये फुल्ली टाइम डिवाइड हो रहा है। सो इट इज़ अ आंसर। अंडरस्टूड? सेकेंड क्वेश्चन इज 312 डिवाइडेड बाय 12। सो 312 किससे डिवाइड करना है? इसे हमें 12 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 12, ब्रैकेट के अंदर कौन से नंबर्स राइट होंगे? 312 और डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो 12 हमें ब्रैकेट के बाहर राइट करना है, ठीक है। अब इस 12 का डिवाइड हम फर्स्ट वाले नंबर यानी हम इस 31 में इसका डिवाइड करेंगे। 12 - 1 = 12, 12 - 2 = 24, 12 - 3 = 36। क्या है इस 31 से? ज़्यादा है तो हमें क्या चाहिए? इससे कम चाहिए। तो हम कितनी बार डिवाइड करेंगे? 12 का डिवाइड इसमें 2 टाइम, 12 - 2 = 24।
नाउ वन में से फोर माइनस नहीं होगा, हम क्या करेंगे, पास वाले नंबर से वन टेंस बोरो करेंगे, यहाँ बना आपका इलेवन, इलेवन माइनस फोर रिमेन हियर सेवन, टू माइनस टू क्रॉस, नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास टू, इस टू को हम कहाँ राइट करेंगे, इस सेवन के जस्ट बाद, तो ये क्या बन गया आपका 72। अब हमें 12 का डिवाइड किस में करना है, 72 में, तो 12 का टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 72 आ जाए, ठीक है। नाउ 12 सिक्स आ 72, सिक्स टाइम, हाउ मैनी टाइम, 12 का टेबल हमने कितनी बार बोला, 6 टाइम, और 6 टाइम बोलने पे क्या आया, 12 सिक्स आ 72, 6 हम यहाँ राइट करेंगे और 72 को जस्ट इसके नीचे राइट करेंगे, देन अब इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 क्रॉस, 7 माइनस 7 क्रॉस, व्हाट इज योर क्वाड्रेंट, 27, सो राइट हियर क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 26 इज द आंसर, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स इस मेथड को यूज करते हुए हमें नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, अंडरस्टूड। यस स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड फॉलोइंग देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स। यहाँ आपको जो क्वेश्चन गिवन है ये किस में गिवन है, देवनागरी स्क्रिप्ट में, या इसको हम दूसरा नाम क्या है इसका, इंडियन हिंदी नंबर्स भी इनको हम बोलते हैं। तो यहाँ हमें इंडियन हिंदी नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। इससे पहले हमने क्या किया था, हिंदू अरेबिक नंबर्स को डिवाइड किया था, और अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि देवनागरी स्क्रिप्ट को क्या करना है, नंबर्स गिवन है और इनको डिवाइड करना है। बस यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर्स का जो राइट करने का मेथड है वो चेंज हुआ है, बाकी डिवीजन हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हम हिंदू अरेबिक नंबर्स को करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, 684 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होगा ये, व्हाट इज दिस, 19, सो डिवाइडेड बाय 19, ओके, राइट इन ब्रैकेट 684। नाउ अब हम 19 का डिवाइड फर्स्ट किस में करेंगे, 68 में करेंगे, ओके, बिकॉज टू नंबर का डिजिट है, हम टू डिजिट में ही डिवाइड कर रहे हैं। 19 का टेबल हमें इतनी बार बोलना है, या तो हमारे टेबल में 68 आ जाए या फिर जस्ट इससे स्मॉल नंबर हमें मिल जाए। तो 68 आता है क्या 19 के टेबल में, नो, तो जस्ट इससे स्मॉल क्या आता है, हमें टेबल को क्या करना पड़ेगा, बोल कर देखना पड़ेगा, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57 और 19 फोर जा कितना होता है 76, बट 76 क्या है, इससे ग्रेटर है, तो कितनी बार डिवाइड होगा, इट्स डिवाइडेड 3 टाइम, और 3 टाइम डिवाइड करने पर क्या आएगा, 19 थ्री जा 57, और इस 57 को हम लिखेंगे जस्ट 68 के डाउन साइड में, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 5 1, और नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 4, तो इस 4 को हम इसके पास लाकर लिखेंगे, क्या बन गया ये 114। अब 114 आता है 19 के टेबल में, यस, स्पीक टेबल ऑफ 19, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, 19 फोर जा 76, 19 फाइव जा 95 एंड 19 सिक्स जा 114, सो हाउ मैनी टाइम इट्स डिवाइड, 6 टाइम, राइट हियर 6 एंड राइट हियर 114, 4 माइनस 4 क्रॉस, 1 माइनस 1 क्रॉस एंड 1 माइनस 1 क्रॉस, व्हाट इज द क्वाड्रेंट, 36 इज द क्वाड्रेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्या आया इसका हमारा क्वाड्रेंट, इज इक्वल टू 36, और यही आपका क्या है, इट्स योर आंसर, अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, देवनागरी स्क्रिप्ट को डिवाइड करना सीखा है, अंडरस्टूड।
यस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 725 डिवाइडेड बाय 25. यहाँ हमें 725 को किससे डिवाइड करना है, 25 से. सो राइट हियर 725 डिवाइडेड बाय 25 इन कॉलम यू राइट 725 डिवाइडेड बाय 25. अब 25 का डिवाइड किस में करेंगे, फर्स्ट टू डिजिट नंबर में. तो टू डिजिट नंबर क्या है, 72. अब 72 आता है क्या 25 के टेबल में, नो इट्स नॉट कम. तो इससे जस्ट स्मॉल नंबर कौन सा आता है, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, 25 थ्री ज़ा 75. बट 75 क्या है, इससे ग्रेटर है तो डिवाइड नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, टू टाइम डिवाइड करेंगे, 25 टू ज़ा 50, और 50 को इसमें से क्या करना है, माइनस करना है. 2 माइनस 0 2 एंड 7 माइनस 5 रिमेनिंग 2. ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5. इसके जस्ट बाद हम 5 को राइट डाउन करेंगे, क्या बन गया 225. अब 225 इज कम इन टेबल ऑफ 25. यस हाउ मैनी टाइम, 9 टाइम. सो 25 नाइन्स आर 225. फुली टाइम डिवाइड है, 5 माइनस 5 क्रॉस, 2 माइनस 2 क्रॉस एंड 2 माइनस 2 क्रॉस. नो रिमाइंडर विल बी हियर, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं है. सो क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट क्या है आपका, 29 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. ओके सी योर आंसर. सो लिसन स्टूडेंट्स, आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर एंड यू शुड प्रैक्टिस रिमेनिंग क्वेश्चंस. एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिवीजन. ठीक है, कल की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन. थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, गुड बाय.